40-42 आज टेम्परेचर हो रहा है। जिन बहनों ने घर में काम करना था आज सड़कों पे, आज उनका ये तख्त उलट के रहेंगे, केजरीवाल से इस्तीफा लेके रहेंगे। अगर वो गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं तो शराब घोटाले के लिए क्या गांधी जी ने कहा था? जिस तरह से सिसोदिया जेल गए हैं और सत्येंद्र जैन जेल गए, उसी तरह से इनको भी इस्तीफा देकर और जेल के अंदर जाना चाहिए। ईमानदार होता तो आज ये हालत होती उसकी? मनीष सिसोदिया जेल में है क्यों? है इसीलिए तो है, हर एरिया में शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, बच्चे बेकार हो रहे हैं, शिक्षा खराब हो रही है बच्चों की, करियर बर्बाद हो रहे हैं, गलत तो कर ही रहे हैं, वो भ्रष्ट ही है। हम कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, दिल्ली को स्वस्थ रहने दो, साफ रहने दो और लोगों को जीने दो। गांधी जी कभी शराब का ठेका नहीं खुलवाएंगे, दारू का ठेके नहीं खुलवाएंगे, बच्चों का लाइफ करियर खराब नहीं करवाएंगे। क्या मांगे हैं आज मैडम? आज बीजेपी को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है ईमानदारों की सरकार है, हमारी टारगेट किया है। ईमानदार होते तो महिलाओं के साथ में इतना दुर्व्यवहार नहीं किया जाता कि शराब के ठेके गली गली में खोलकर आज उन्होंने पूरी दिल्ली को सड़कों पे उतार दिया। 40-42 आज टेम्परेचर हो रहा है। जिन बहनों ने घर में काम करना था आज सड़कों पे, आज उनका ये तख्त उलट के रहेंगे, केजरीवाल से इस्तीफा लेके रहेंगे। और वो अपना कितना भी दिखाते रहें कि हमने बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हम बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, वो सब कुछ दिल्ली की जनता जान गई है। और आप सबके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उनसे हम केजरीवाल से उनका तख्त उखाड़ के रहेंगे। कह रहे हैं लड़ते रहेंगे और जीत जाएंगे, लड़ते रहेंगे और जीत जाएंगे। हम लड़ते रहेंगे, बराबर लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो गलत है और गलत को हम वोट पे ला के रहेंगे, उनको जेल में डाल के रहेंगे। उनके सारे मंत्री हमने जेल में बारी बारी से जाएंगे। कल सारे विधायक जाके बैठ गए थे, ड्रामा कर रहे थे, वो सब ड्रामा उनका यहाँ लेकर आएंगे, रोड पर लेकर आएंगे, उनको रोड पे बिठा लेंगे। हम जो है गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वो गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं तो शराब घोटाले के लिए क्या गांधी जी ने कहा था? महिलाओं को परेशान करने के लिए उन्होंने, उनके किसी भी मंत्री में महिला, कोई भी महिला नहीं है आज तक, आप देखो महिला का कोई सम्मान नहीं है। एक आतिशी जी को उन्होंने पता नहीं कहां से टपका के बिठाल दिया है, बाकी कोई महिला का सम्मान नहीं किया आज तक उन्होंने। क्या सम्मान किया है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं कि महिलाओं का क्या सम्मान किया? अभी भी ये कहना क्या केजरीवाल के लिए वो मतलब ईमानदार है? उसने जो एक भ्रष्ट कार्य है, उसने जो भ्रष्ट का नकाब पहन रखा, आज हम उसको उतारने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसने इतने तो घोटाले कर लिए, जब उसने सरकार बनाई थी, आम आदमी पार्टी का गठन किया था, उसने जनता को क्या विश्वास दिलाया था कि मैं आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान रखूंगा, पूरे वादे पूरे करूंगा, और देखो एक एक वादा कैसे उसने उसको तोड़ा और जनता को उसने धोखा दिया है। आज तो ये हालत हो रही है कि उसने पूरी दिल्ली को नशे में डुबो दिया है, उसी आज हम उसका नकाब उतारने के लिए, ताकि वो इस्तीफा दे, दिल्ली से इस्तीफा दे। और जो आज वो विधानसभा में सत्र देने आया है, किस देने आया है, उसके पास क्या है? वो बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठे, झूठ का पुलिंदा है। तो हम पूरी जनता की तरफ से हम उसको यहाँ पर कहने आए हैं कि अब इस्तीफा दे और यहाँ से निकल जाए बस। ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, वो सच का साथ दे रही है, वो बिल्कुल सच्चाई का साथ दे रही है। क्या वो चाहेंगे कि हमारी दिल्ली बर्बाद हो? कहा जाता फंसाने की कोशिश की जा रही है हमारे ईमानदार नेताओं को? बिल्कुल भी नहीं, ये तो उसके झूठ हैं, वो तो झूठ बोलेगा ही, उसी को तो हम नकाब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं मैम आज आपकी जी? क्या मांगे लेकर आई हैं? यही मांगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सिसोदिया जेल गए हैं और सत्येंद्र जैन जेल गए, उसी तरह से इनको भी इस्तीफा देकर और जेल के अंदर जाना चाहिए स्वेच्छा से, क्योंकि उन्होंने इतने भ्रष्ट कार्य किए हैं। लोग बहुत दुखी हैं, महिलाएँ बहुत दुखी हैं, जहाँ पे हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को एक एजुकेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि शराब के उसमें घोटाले में इन्होंने सारे अपने आप को भी भ्रष्ट और पूरे अपने जितने भी साथियों को सब ही भ्रष्ट दिख ही रहे हैं सब लोग, और इस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं, ये बहुत ही शर्मिंदा होने वाला कार्य है। और हम सब लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि उन तक ये उनके कान में चूरेंगे और वो अपने पद से इस्तीफा दें, ताकि स्वेच्छा से, और जिस तरह से उन्होंने ये कार्य किए हैं बहुत ही शर्मनाक है। कहा जाता है हमारी ईमानदार पार्टी को बदनाम करा जा रहा है, कुछ नहीं ईमानदार है। आप उनको देखिए, अन्ना हजारे जी को देखिए, जिन्होंने इस पार्टी को इतना आगे बढ़ाया।
बनाने की कोशिश करी, जिन्होंने उनका साथ दिया, आज उनको इधर किनार करके, क्योंकि इनको भ्रष्ट कार्य करना था, इनको इसी तरह से घोटाला करना था। इन्होंने एजुकेशन के मामले में अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आतिशी जी जो है इस तरह के एजुकेशन के लिए स्कूल में, अब उनकी नींद खुली है, अब उन जागे हैं, पहले कहाँ थे? यानी कि जब पहले इतनी गंदगी में पढ़ रहे थे बच्चे, इतने गंदे भोजन को इस्तेमाल कर रहे थे, तब वो कहाँ थे? इस तरह से अब वो जागे हैं। जब हमारी भाजपा सरकार जो है जब उनको जगा रही है, तब वो जागे, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। उन्हें नहीं दिखता है कि इस तरह से भ्रष्ट पूरा अपना जो इनका ग्रुप है, पूरे सभी लोग भ्रष्ट हैं, सारे के सारे एक, और इस तरह से इनको भी इस्तीफा देकर जेल ही जाना चाहिए। कहा जाता है कि हम गांधी जी के रास्ते पर हैं, कभी भगत सिंह का नाम लेते हैं, कभी गांधी जी का, नहीं नहीं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। इतने पवित्र आत्मा, इतने पवित्र लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने कुर्बानी दी, ये क्या कर रहे हैं? ये तो घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं, जो कि सभी समाज के सामने है, सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो घोटाला कर रहे हैं। वही चीज सामने लाने के लिए, क्योंकि लोगों तक जो बात नहीं पहुंच पा रही है, वो हमारी भाजपा सरकार ने वीड़ा उठाया है, और ये सब लोग मिलकर इसको जेल भेजने की पूरी पूरी तैयारी है, और वो जाएंगे जेल भेजने की तैयारी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि पूरा मैम क्या मांगे हैं आज। आम आदमी पार्टी कह रही है ईमानदारों को फंसाया जा रहा है, मैम से पूछ चुकी हूँ मैं, आप बताइए मैम, कह रहा है ईमानदारों को फंसाया जा रहा है, हम गांधी जी के रास्ते पर हैं। ईमानदार होता तो ही आज ये हालत होती उसकी? मनीष सिसोदिया जेल में है क्यों? है इसीलिए तो है, ईमानदारी से काम करते तो आज बहुत अच्छा काम होता है। इनकी ये हालत नहीं होती जो आज हालत हो रही है। इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग, क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इनके पास घोटाले के अलावा कुछ काम ही नहीं था, जहां देखो वही घोटाले घोटाले। कितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि जो उनको बताना भी मुश्किल हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आ रही है केजरीवाल जी को कि देखो लोगों को काम धंधा तो नहीं देना, पर घोटालों में वेस्ट करना है इनको पैसों को, और इसलिए हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं? हाँ, वो गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं ना, दिख रहे हैं आपको, आप सबको दिख रहे होंगे, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए ये इस्तीफा उनसे मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया, कह रहे हैं हम गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है, देखो झूठी सरकार झूठा आदमी है, तो ये गांधी जी के उसमें तो चल ही नहीं सकते है, ये सभी जानते हैं। और इतना इन्होंने शराब के उसमें इतना बड़ा घोटाला क्या है, इनके मनीष सिसोदिया ने क्या, केजरीवाल ने क्या, आज यदि इन्होंने घोटाला इतना बड़ा नहीं किया होता तो आज ये हम इस तरह से प्रदर्शन में नहीं आए होते। क्या मांगे हैं मैम आप? क्या मांगे? हम इस्तीफा मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, दिल्ली को स्वस्थ रहने दो, साफ रहने दो, और लोगों को जीने दो। हमारी पार्टी बहुत ईमानदार है। नहीं, कोई ईमानदार होती तो फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों होती है? ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर काम कर रही है। कोई नहीं, सब झूठ, सब झूठ। क्या मांगे हैं आज आप? जी वो बहुत गलत कर रहे हैं, हर एरिया में शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, बच्चे बेकार हो रहे हैं, शिक्षा खराब हो रही, बच्चों की करियर बर्बाद हो रहा है, गलत तो कर ही रहे हैं, वो भ्रष्ट ही है। क्या मांगे? मैं यही मांगूंगा उनसे कि दारू का ठीका बंद करे और पढ़ाई पर ध्यान दे, बच्चों को पढ़ाई में कमी हो रहे हैं। ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं मैडम, ईमानदार पार्टी को कोई बदनाम कर ही नहीं सकता है, कभी कोई ईमानदार पार्टी को कोई बदनाम नहीं कर सकता है। गांधी जी के रास्ते पे हैं जी? गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, गांधी जी कभी शराब का ठेका नहीं खुलवाएंगे, दारू का ठेके नहीं खुलवाएंगे, बच्चों का लाइफ करियर खराब नहीं करवाएंगे।